हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए दूधदार गाजर से एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही कम सामानों से बनाया है। तो चलिए मैंने इसे कैसे बनाया है बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ml दूध लिया है, जिसे हम सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे। गैस के फ्लेम को हम हाई पर ही रखेंगे। इसमें हमें एक उबाल लाना है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, घर का जो दूध आता है नॉर्मल वो दूध भी ले सकते हैं, चाहे पैकेट वाला भी दूध का यूज आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ घर की दूध ली है, देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा मलाई है। तो देख रहे हैं कि दूध में हमारा एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। इधर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसके साइड जो है मैंने काट लिया है। अब इसे हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें तोड़कर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ब्रेड को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इससे क्या होगी, हमारी जो राबड़ी है झट से बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इसे भी हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम 2 से 4 धागे केसर के डाल रहे हैं, इससे इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आपके पास में ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम 4 से 6 चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर भी जो है हमारा मीठा होता है, इसलिए आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ 4 से 5 चम्मच ही चीनी डाल रही हूँ। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो राबड़ी है गाढ़ी होने लगी है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची हमेशा लास्ट में ही डालें, इससे क्या होता है इसका जो टेस्ट है बना रहता है। तो देख सकते हैं हमारी जो राबड़ी है वो बनकर गाढ़ी हो गई है। हमें जितना ही रखना है, इससे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, या बाद में ठंडी होकर और भी जम जाएगी। अब इसे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम उतार लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। राबड़ी तो हमारी बनके तैयार हो गई है और इस रेसिपी में हम गाजर का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1/2 किलो गाजर को कद्दूकस करके रख लिया है। अब इसे हम एक पैन में 4 चम्मच घी डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। घी जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम जो कद्दूकस करके गाजर रखे थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 500 ml दूध को अलग से रखा था उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। दूध मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें ना तो मावा और ना ही खोए का यूज कर रही हूँ और ना ही मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। दूध को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि हमारा गाजर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसी समय हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो यह मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसे हमें ढकना बिल्कुल भी नहीं है, इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा दूध और चीनी जो है गाजर में अच्छे से मिक्स हो गया है और गाजर हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो जब तक हमारी गाजर और रबड़ी ठंडी हो रही है, तब तक मैंने यहाँ पर 4 पीस ब्रेड लिए हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के चारों किनारे को कट करके निकाल लेते हैं। तो मैंने एक प्लेट लिया है और इस तरह से चाकू से लेकर हम इस ब्रेड के किनारे को हल्का हल्का कट करके निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम चारों ब्रेड को कट करके निकाल लेते हैं। तो ब्रेड के किनारे को मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से लेंगे और बेलन से हल्का हल्का इसे हम बेल देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ब्रेड जो है सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हम बेलेंगे। तो मैंने इसे बेल कर रख लिया है। अब जो मैंने राबड़ी बनाया था उसे हम इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। बस मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब जो मैंने गाजर बना के रखा था उसकी हम एक लोई लेंगे और इस तरह से हम रोल कर लेंगे।
अब उसे हम इस तरह से बीच में रखेंगे। अब ब्रेड को हम इस तरह से लेंगे और इसे हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं कि अब फोल्ड हो चुका है। अब फिर से मैंने जो रबड़ी रखी है उसे हम चारों तरफ से इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। इसे हम पलट कर भी अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा गाजर और दूध की रबड़ी की रोल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम थोड़े से पिस्ते से गार्निश कर लेते हैं। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, यह बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी बनकर तैयार हो गया है। इसे आप शाम के समय फ्रिज में रख के खा भी सकते हैं। इसे आप और एक तरह से सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले गाजर की एक लेयर इसमें हम बैठाएंगे, इसे हम अच्छे से दबा देंगे। इसे हम चारों तरफ से फैला देते हैं और अच्छे से दबा देंगे। अब इसके ऊपर हम एक लेयर इस रबड़ी की डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से फैला देते हैं। इसके बाद हम फिर से एक बार गाजर की एक लेयर और देंगे। इसे मैंने चारों तरफ से फैला दिया है। इसके बाद हम एक लेयर और रबड़ी की देंगे। इसे आप फ्रिज में भी रखकर अच्छी तरह से खा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ते से इसकी गार्निश कर लेती हूँ। आप चाहे तो इस तरह से भी बनाकर इसे फ्रिज में रख सकते हैं और इसे हम ठंडा करके भी खा सकते हैं। यह कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसकी तीनों की तीनों लेयर अच्छी तरह से दिख रही है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।